और राइट सो आई गेस कैसे हो आप सब। तो यार जितने भी सीयूटी के एस्पिरेंट्स हैं वो एक चीज़ बार बार सुन रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हट जाएगी, इस बार से नॉर्मलाइजेशन हट जाएगी। एंड आई बिलीव कि आपको नहीं पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या आती है और क्यों हट रही है एंड इससे क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। तो यार जब भी सीयूटी के एग्जाम होते थे आज से पहले तो डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होते थे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते थे और डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होते थे। तो काफ़ी बार होता था कि कुछ शिफ्ट्स के अंदर पेपर डिफिकल्ट आता था एंड कुछ शिफ्ट्स में पेपर ईजी आता था। तो बच्चों का ये सीन था कि यार कि जो डिफिकल्ट पेपर आए थे यार उनके मार्क्स कंपेरेटिवली कम आने वाले हैं, जिनका पेपर इजी आया तो उनके मार्क्स कंपेरेटिवली अच्छे आएंगे दूसरे शिफ्ट के कंपैरिजन में, राइट। तो किसी को डिसएडवांटेज ना हो उस चीज़ का, तो एनटीए अपने कुछ स्कीम लगाकर दोनों के मार्क्स बराबर कर देते थे। यानी कि जो जिनका पेपर ईजी आया था उनके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इजी वाली शिफ्ट से थे एंड एक और स्टूडेंट था वो डिफिकल्ट वाली शिफ्ट से था, जो इजी वाली शिफ्ट थे उसके 700 मार्क्स आए आउट ऑफ 800 एंड जो डिफिकल्ट शिफ्ट वाले थे उसके 600 आए आउट ऑफ 800। तो एनटीए के पास कुछ फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू वो जो 700 मार्क्स है उसको थोड़े से रिड्यूस कर देगी ताकि दोनों को बराबर ट्रीट किया जाए, किसी को भी अनफेयर एडवांटेज ना हो कि इजी शिफ्ट या फिर डिफिकल्ट शिफ्ट का। लेकिन करंट ईयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अब से एनटीए ऑफलाइन पेपर लेने वाली है, यानी कि आपका ओएमआर शीट के थ्रू पेपर होने वाला है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन वाला प्रॉपर सीन ही हट जाएगा, क्योंकि जनरली ये सीबीटी मोड के अंदर ही होता था। एंड इस बार ट्राई करेगी एनटीए कि एक ही शिफ्ट में पेपर करवा दिया जाए, जिसकी वजह से ये सिचुएशन ही अराइज ना हो। तो एट द एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि रिडक्शन जब मार्क्स की होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होती है, राइट। कि आपने 700 नंबर स्कोर भी किया बट नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 650 या 600 नंबर तक हो जाते थे, तो वो चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यानी ये सीधा सीधा मतलब है नॉर्मलाइजेशन का। तो इस साल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उस केस में ऑफलाइन पेपर होगा, एंड अगर उससे कम रहती है तो उस केस में आपका सीबीटी मोड के अंदर होने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड डेफिनेटली आपके फेवर में की जा रही है ये चीज़, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एंड कमेंट्स में आप बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिकॉज सीयूटी से रिलेटेड और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी। एंड अपने बोर्ड से क्या एंड आई होप कि आपके बोर्ड से एग्जाम बढ़िया गया होगा इंग्लिश का, एंड आगे भी जितने भी बोर्ड के एग्जाम है तो उस पर स्ट्रैटेजी वीडियोज आने वाली है। तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर शेयर कर लो, बिकॉज डेफिनेटली वर्थ इट होने वाला है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सी यू द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज तुषार जैन साइनिंग ऑफ।